नासदातिन्नो सदातित्तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीद् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था छिपा था क्या कहां किसने ढका था उस पल तो अगम अतल जल भी कहां था सदी की शुरुआत में ही बंगाल में हिंदू धर्म में पश्चिम से प्रभावित होकर सुधार करने की कोशिश की गई। राजा राममोहन राय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की जो धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाखंड के खिलाफ था, लेकिन ब्रह्मो समाज में बहुत ज्यादा सदस्य नहीं थे। ये अंग्रेजी दा बंगाली मध्यम वर्ग तक ही सीमित था। इसी सदी के अंत में एक और मजहबी सुधार आंदोलन चला, स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज, जिसका नारा था केवल वेदों को अपनाओ। इसे मानने वालों में ज्यादातर लोग यूपी और पंजाब के मध्यम वर्ग और व्यापारी तबके से थे। स्वामी दयानंद के दौर में ही रामकृष्ण परमहंस भी हुए, जो फिरका परस्ती के सख्त खिलाफ थे। वो मानते थे कि सब रास्ते हकीकत की एक ही मंजिल तक जाते हैं। उनके प्रमुख शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। हालांकि वो माजी से जुड़े थे और हिंदुस्तान के विरसे पर उन्हें गर्व था, विवेकानंद रोशन ख्याल थे। उनकी शख्सियत हिंदुस्तान की माजी और हाल की
माता तेरा जसु मैं गाता, माता तेरा जसु मैं गाता। ज्ञान दो अभिज्ञान दो तुम प्रीति पावन दो, ज्ञान दो अभिज्ञान दो तुम प्रीति पावन दो। तुम्ही शुभता तुम्ही शुचिता सत्य आशय दो प्रभु, तुम सत्य आशय दो प्रभु, तुम सत्य आशय दो। धैर्य दो तुम शक्ति दो तुम सहनशीला वृत्ति दो, धैर्य दो तुम शक्ति दो तुम सहनशीला वृत्ति दो। तुम्ही रक्ति तुम्ही भक्ति चरण आशय दो प्रभु, तुम चरण आशय दो प्रभु, तुम चरण आशय दो। अरे नरेन, बहुत चुप चुप परेशान लगते हो, क्या बात है? कुछ नहीं। हाँ, मगर ये सच है कि कई दिनों से एक अजीब सी परेशानी ने मुझे घेरा हुआ है। मैं कुछ समय से ब्रह्म समाज में आ रहा हूं। ब्रह्म समाज जिन बातों पर जोर देता है मुझे उन पर भी आस्था है। मैं मूर्ति पूजा और जाति प्रथा के लिए मेरे मन में कोई आदर नहीं। स्त्री शिक्षा और नारी स्वतंत्रता पर मुझे विश्वास है। मैं आपके लेखों और आपके भाषणों से काफी प्रेरित हुआ हूं, मगर फिर भी कोई ऐसी चीज है जो क्या है वो? किस चीज का तुम्हें खोज है? किशन बाबू, मैं ईश्वर का अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। मैंने प्रार्थना की, मैंने अध्ययन किया, मैंने ध्यान लगाया, लेकिन जिस तरह बचपन में ईश्वर को अनुभव किया करता था उस तरह नहीं कर पा रहा हूं। इसके लिए तुम्हें महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर से मिलना चाहिए, हो सकता है वो तुम्हारी कोई मदद कर सके। महाशय, आपने क्या कभी ईश्वर को देखा है? So familiarly do I perceive her manner and her look and presence, and so deeply do I feel her goodness, that not seldom in my walks a momentary trance comes over me. And to myself, I seem to muse on one by sorrow laid asleep. William Wordsworth had a very special relationship with nature. The distinction between him and nature seemed to disappear. It was as if he were in a trance when he dealt with the beauties of nature. A most unusual state of bliss, felt only by those who feel the oneness of the universe. Sir, is it possible that anyone can feel that way? Well, I've only seen one person in such a state of bliss, a total trance. Samadhi, I think you call it. And his name is Ramakrishna Paramahamsa, and he lives in Dakshineshwar. Jis prakar ek hi jal ko koi vari kehta hai, कोई पानी कहता है, कोई वाटर कहता है, तो कोई एक्वा कहता है, उसी तरह से एक ही सच्चिदानंद को कोई हरि कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई ब्रह्म कहता है। प्रभु, मैं अपने मित्र नरेन को आपसे मिलाने लाया हूं।
ये बहुत अच्छा गाते भी हैं। नरेन, क्या हमें भी एक गान सुनाओगे? घर चलो मन, घर चलो मन, घर चलो मन आज ही अपने। घर चलो मन, घर चलो मन आज ही अपने। छोड़ करके मनोहारी कांच के सपने। घर चलो मन, घर चलो मन आज ही अपने। ये जग बिल्कुल पराया, पराई चादर। ये जग बिल्कुल पराया, पराई चादर। शान झूठी, मान झूठा, खेल है पल भर। थके हो तुम, लगे हो तापे तपने। घर चलो मन, घर चलो मन आज ही अपने। जी नहीं लगता घर की याद तड़पाती है। वहां पर माँ अकेली बहुत अकुलाती। जी नहीं लगता घर की याद तड़पाती है। वहां पर माँ अकेली बहुत अकुलाती। द्वार का वो दीप जलता लगा है दिखने। घर चलो मन, घर चलो मन आज ही अपने। घर चलो मन, घर चलो मन आज ही अपने। छोड़ करके मनोहारी कांच के सपने। घर चलो मन, घर चलो मन। क्या तुम्हें सोने से पहले एक प्रकाश पुंज दिखाई देता है? हाँ, क्या हर किसी को दिखाई नहीं देता? आने में बहुत देर की। कितना निर्दयी है तू, मुझसे इतनी लंबी प्रतीक्षा करवाई। संसारी लोगों की ओछी बातें सुनते सुनते मेरे तो कान पक गए थे। कब से तरस रहा था कि मुझे कोई तो ऐसा मिले जिससे मैं अपने मन की बात कह सकूं, जिसके सामने मैं अपने मन का बोझ हल्का कर सकूं। प्रभु, मुझे मालूम है आप प्राचीन ऋषि नर हो, नारायण के अवतार। मनुष्य के दुख हरने के लिए ही तो आपने इस धरती पर जन्म लिया है। मुझे वचन दे, तू दोबारा दर्शन देगा जल्दी ही। सुनिए, क्या क्या आपने भगवान को देखा है? हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं साक्षात। नरेन, नरेन। कौन? महेंद्र। महेंद्र? हाँ, आओ। और कैसे हो? यहाँ अकेले अंधेरे में क्या कर रहे हो? सोच रहा हूँ स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में। हाँ, असाधारण व्यक्ति है वो, है ना मित्र? तुम तो कई बार उनसे मिल चुके हो, अब तुम ही बताओ तुम क्या सोचते हो उनके संबंध में? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, उन्होंने तो मुझे पूरी तरह भ्रमित कर दिया है। मालूम नहीं वो संत हैं या सम्मोहक। जब मैं पहली बार उनसे मिला तो मुझे लगा कि वो
पागल है, मगर न जाने ऐसा क्या है जो बार बार मुझे उनसे मिलने के लिए, उनके दर्शन पाने के लिए विवश करता है। महेंद्र, तुम तो जानते हो कि मैंने तर्क बुद्धि पाई है। मैं तब तक किसी चीज को नहीं मानता जब तक कि उसका तर्क ना समझ लूं, उसकी जांच पड़ताल ना कर लूं। लेकिन लेकिन उस निरक्षर रामकृष्ण ने तो मेरे समूचे विश्वास को हिलाकर रख दिया। मुझे लगता है कि वो मेरे बारे में मुझसे ज्यादा जानता है। वो हमेशा तुम्हारे बारे में सोचते हैं, वो चाहते हैं कि तुम उनसे मिलो। मुझे मालूम है, मैं जब भी उनसे मिलने जाता हूं तो वो मुझे बार बार आने के लिए विनती करते हैं, अपार स्नेह के साथ मेरा स्वागत करते हैं। अगर मैं कुछ कहना भी चाहूं तो अपने स्नेह से मुझे चुप करा देते हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। दूसरे दिन जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने मुझे सिर्फ छुआ, स्नेह भरा स्पर्श था वो, अनोखा अनुभव हुआ मुझे। मेरी आंखें खुली हुई थी, मुझे लगा जैसे कीर्तन कक्ष की दीवारें ही नहीं बल्कि सारी चीजें धीरे धीरे अपनी पहचान खो रही हैं। सारा ब्रह्मांड जिसमें मैं भी हूं दौड़ा चला जा रहा है, मानो एक बड़े से शून्य में घुसने के लिए। मैं तो डर गया, मैं चिल्ला पड़ा और वो हंस पड़े, कहने लगे कि ठीक है, अभी सिर्फ इतना ही, तुम जाओ, समय आने पर सब होगा। तुम उनका विरोध क्यों करते हो नरेन? वो सबसे कहते हैं तुम ध्यान सिद्ध हो, सिर्फ तुम ही उनके ऐसे शिष्य हो जिसे वो अपनी आध्यात्मिक संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। वो तुमसे मिलना चाहते हैं नरेन, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं उनके पास जाऊंगा। मैं सदा से सत्य की खोज में भटकता आ रहा हूं, मुझे कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए। अब मुझे लगता है कि दक्षिणेश्वर के उस व्यक्ति के पास ही कुंजी है। मुझे मालूम था तू आ जाएगा, देवी मां ने मुझसे कहा था। आओ नरेन। देवी मां ने आपसे कहा कि मैं आ जाऊंगा, लेकिन आपने कैसे जाना कि कहने वाली वही थी? क्या ये आपका भ्रम नहीं हो सकता? मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि ये आपकी कल्पनाएं हैं, सिर्फ कल्पनाएं, जो तरह तरह की जादुई आकृतियां गढ़ रही हैं। ओ नरेन, तू इस तरह से क्यों मेरा विरोध करता है? मुझे मालूम है तू एक दिन अवश्य उस ज्योति का दर्शन करेगा और तेरे जीवन को एक नया अर्थ मिलेगा, पर उससे पहले तुझे मां की सत्ता को स्वीकारना होगा, परम ज्ञान ब्रह्म आनंद के सामने तुझे अपने आप को समर्पित करना होगा। तो फिर आप मुझे 3-4 दिन तक लगातार समाधि में लीन क्यों नहीं होने देते? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो मुझे उसका अनुभव क्यों नहीं करने देते? तुझे शर्म आनी चाहिए, तू एक तुच्छ और निरर्थक चीज की चाह कर रहा है। मैंने तो सोचा था तू एक बड़े बट वृक्ष की तरह से है जिसके नीचे हजारों लोग आश्रय पाएंगे, मगर तू तो अपने ही मोक्ष से मतलब रखता है। प्रभु प्रभु, मैं दुखी पीड़ित हूं, मेरा मन अशांत है। मैं ईश्वर के दर्शन करना चाहता हूं, मैं व्याकुल हूं, लेकिन वो मुझे दर्शन नहीं देते। मैं रात रात भर समाधि में लीन रहता हूं, दिन में ईश्वर बुद्ध को जाती। ये सारा संसार मुझे अप्रिय और तुच्छ लगता। जब मैं आपके पास होता हूं तो मुझे शांति मिलती।
प्रभु मुझे सहायता दीजिए, मेरी सहायता कीजिए प्रभु। नरेन मेरे बच्चे, तू जिस दशा से गुजर रहा है मैंने पूरे 12 बरस तक उसका अनुभव किया है। 12 बरस तक एक तेज आंधी मेरे सिर में चलती रही है। धैर्य रख, मुझे मालूम है मेरा चुनाव सही है। मेरे बाद तू इन लड़कों की देखरेख करना, उन्हें ऐसा बनाए रखना कि उनमें आध्यात्मिक अनुशासन बना रहे। तेरे सामने एक बड़ा काम है, तुझे उस परम आनंद की अनुभूति होगी जिसके लिए तू इतना व्याकुल है। लेकिन तब जब तू ये अनुभव करेगा कि सब कुछ ईश्वर है, तू ये संसार हर चीज हर स्थान ब्रह्म है, परम ब्रह्म। प्रभु प्रभु जल्दी चले, कुछ गड़बड़ है। क्या बात क्या है गोपाल? नरेन नरेन बहुत अजीब व्यवहार कर रहा है, मुझे तो डर लग रहा है, वो बहुत बीमार है, कि उसकी मृत्यु न हो जाए, उसकी दशा देखकर भय लगता है। मेरे साथ चलिए, आप स्वयं देख लीजिए। शांति से काम लो गोपाल, ये बताओ उसकी ऐसी दशा क्यों है? मैं भी उसी कमरे में ध्यान लगा रहा था जिसमें नरेन, एकाएक वो चिल्ला उठा। उसने मुझसे कहा वो अपने शरीर को महसूस नहीं कर पा रहा है, सिर्फ उसका सिर। उसने मुझसे पूछा मेरा शरीर कहाँ चला गया, मैंने कहा है तो, तब वह कहने लगा कि वो शरीर को महसूस नहीं कर पा रहा है, कुछ गुरु भाई इस समय उसके साथ हैं, मालिश आदि कर रहे हैं। मैं आपको बताने भागता चलाया, कृपा करके तुरंत चले प्रभु। दूसरे लोगों से कहो उसे अकेला छोड़ दे, कुछ देर उसे उसी हाल में रहने दो। इस हाल में पहुंचने के लिए वो कब से मुझे परेशान करता रहा है। चिंता मत करो गोपाल, वो मरेगा नहीं। जाओ तुम। आखिर नरेन ने निर्विकल्प समाधि की अवस्था पा ली, उसकी प्रार्थना पूरी हुई। नरेन तो आज मां ने तुझे सब कुछ दिखा दिया। यह अनुभव बिल्कुल वैसा है जैसे कोई बहुत कीमती चीज तुझसे छिपाकर मेरी निगरानी में एक संदूक में ताला बंद करके रख दी गई हो। चाबी मेरे पास है और ये संदूक तभी खुलेगी जब तू इस संसार में अपना कर्तव्य पूरा कर देगा, और तब तू सब कुछ जान सकेगा जैसे आज जान पाया है। प्रभु मुझे समाधि में बहुत आनंद मिला, कृपया मुझे उसी अवस्था में रहने दे। नहीं नरेन, तुझे अभी और बहुत से काम करने हैं। मां के प्रताप से यह अनुभव तेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तू अपनी सामान्य अवस्था में हर जीव में उसी एक दैवीय शक्ति को अनुभव कर सकेगा। तू इस संसार में एक महान काम करेगा, लोगों में आध्यात्मिक जागृति पैदा करेगा, दीन दुखियों के दुख संताप को हरेगा। तुझे एक बहुत लंबी यात्रा पूरी करनी है मेरे बच्चे, बहुत बहुत लंबी यात्रा। गुरुदेव के अद्भुत वचनों से आज मुझे अनोखा प्रकाश मिला है। उन ज्ञान के वचनों से मैं समझ पाया हूँ कि तपस्वी और मुनि जो समाज से दूर वेदांत के आदर्शों को अपने जीवन में उतारते हैं, उनका अभ्यास घर परिवार में रहकर भी किया जा सकता है और उन्हें सामान्य जीवन में भी अपनाया जा सकता है। मनुष्य जो भी व्यवसाय करता हो उसे बस यही समझना और अनुभव करना है कि
कि ईश्वर ने अपने आप को ही इस संसार और अनेक जीवों के रूप में प्रकट किया है। वो सब में है, सब में समाया है, और फिर भी सबसे अलग है। मनुष्य को ईश्वर का ये रूप मानकर उसे सेवा के रूप में अपनाना है, तभी वो अपने मन को शुद्ध कर सकता है। चाहे जो हो, अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो बहुत जल्द ही मैं इस महान सत्य की घोषणा सारे संसार के सामने करूंगा। मैं इसे विद्वान मूर्ख, अमीर गरीब, ब्राह्मण चंडाल सबकी समान संपत्ति बना दूंगा। उसका रूप नहीं दिखता है, उसका रूप नहीं दिखता है, कोई देख नहीं पाता है, कोई देख नहीं पाता है। हृदय मनीषा से वो कल्पित जान गया जो, हृदय मनीषा से वो कल्पित जान गया जो, वही अमर हो जाता है, वही अमर हो जाता है। नरेन, अरे बहुत लकड़ी चीर ली है, अब बस करो। नरेन, मैंने कहा बहुत लकड़ी हो गई है, अब बस करो, पसीना पसीना हो गए हो, आराम करो। कितना अच्छा लग रहा है, शारीरिक परिश्रम से मुझे बहुत आनंद मिलता है। महेंद्र, मेरे विचार से गीता की तुलना में फुटबॉल के जरिए इंसान स्वर्ग के ज्यादा करीब पहुंच सकता है। शक्ति ही जीवन है और निर्बलता मृत्यु। हमारे बाकी शिष्य क्या कर रहे हैं? अरे सुबह से शशि द्वार द्वार भटक रहा है मुट्ठी भर चावल के लिए। शशि तो जैसे इट्स मठ में माँ की तरह है, जब तक सबको खाना ना खिला ले उसे चैन नहीं। चलो आज कम से कम चावल और नमक तो खाने को मिलेगा, दो दिन से खाने का प्रबंध नहीं हुआ है। लेकिन किसी को कोई शिकायत नहीं। देखो, हमने निर्धन रहने की और ब्रह्मचर्य का पालन करने की सौगंध जो उठाई है, हम सब प्रभु के ध्यान में रमे रहते हैं और वो हमें हर दिन जीवित रखता है। गुरु जी के आशीष के सहारे हम बढ़े जा रहे हैं नरेन, और तुम्हारी प्रेरणा भी तो साथ है। पढ़ना, शिक्षा, ध्यान, पढ़ने के लिए प्रेरित कर तुमने हमें सब कुछ भुला कर ईश्वर की खोज में लगा दिया है नरेन। और तुमने जब से मठ की स्थापना की है तब से लोग हमको पागल समझ रहे हैं, चिढ़ाते रहते हैं, तरह तरह के नाम से पुकारते हैं। लेकिन फिर भी हमें संन्यास में ही आनंद मिलता है। हम लोग प्रभु का गुण गाते हैं और समाधि में रमे रहते हैं। लेकिन महेंद्र, कभी कभी मुझे लगता है कि मठ एक विलास की स्थान बन गया है। कभी कभी मेरा मन बहुत व्याकुल हो उठता है। मगर नरेन, यहां लोगों से दूर अपने ढंग से ईश्वर की उपासना करते हुए परम वैराग को अपनाए शांति से जीवन बिता रहे हो नरेन। लोगों से दूर रहकर, पर मेरी आत्मा मुझे पुकार पुकार कर कह रही है कि मुझे लोगों के बीच में रहना चाहिए, उनसे भेंट करनी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनके सुख दुख को समझना चाहिए। ये स्थान अब मेरे लिए बहुत आनंददायक हो चुका है, मुझे फिर से दुनिया में लौटना चाहिए। नहीं, तुम हम सबको छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हारे बिना तुम सब, हमारे सभी गुरु भाई शांति का जीवन जी रहे हैं। हर कोई अपने ढंग से ईश्वर की खोज कर रहा है। याद करो, वो कहा करते थे कि ईश्वर को पाने के पथ कई हैं, उसको अनुभव करने के पथ कई हैं, हर किसी को अपनी सोची हुई राह पर चलकर उन तक पहुंचना है। चेतन अचेतन में मैं हमेशा ये जानता था तुम्हें जरूर एक ना एक दिन
ऐसा करना होगा। गुरु जी हमेशा कहते थे, कुछ भक्त मेरे ऐसे हैं, कुछ भक्त मेरा उस कमल की तरह हैं, जिसे 10 पंखुड़ियां हैं, कुछ भक्त मेरे उस कमल की तरह हैं, जिसमें 100 पंखुड़ियां हैं, मगर नरेंद्र मेरा 1000 पंखुड़ियों वाला कमल जैसा है। उनके प्यार ने मुझे पूरी तरह बदल दिया, मैं उसका मूल्य ले चुकाऊंगा। बहुत कुछ करना है, मुझे चलना चाहिए, पर मैं तब तक नहीं लौटूंगा जब तक इस समाज पर बम की तरह ना फट पड़ूं। मुझे लगता है कि खोने के लिए अब और समय नहीं है, मुझे आगे चलना है। ब्रह्म अमर है, वो आगे है, वो पीछे है, वो दाएं बाएं भी वो है, वो नीचे ऊपर है वो भी। अखिल विश्व वो दिशातीत वो विश्वंबर है, ब्रह्म अमर है, ब्रह्म अजर है। विश्व का इतिहास कुछ ऐसे लोगों का इतिहास है जिन्हें खुद पर विश्वास था। विश्वास मनुष्य के भीतर छुपे देवत्व को प्रकट करता है। तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम तभी असफल होते हो जब अपनी अनंत शक्ति को प्रकट करने का पूरा प्रयास नहीं करते। एक व्यक्ति या कोई देश जब अपने ऊपर से विश्वास खो देता है तो मृत्यु आती है। इसलिए पहले स्वयं पर विश्वास करो और फिर ईश्वर पर। मुट्ठी भर शक्तिशाली लोग पूरे विश्व को हिला सकते हैं, इसलिए साहसी बनो। साहस सबसे बड़ा सदाचार है। हमेशा पूरा सत्य बोलो, बिना किसी भेदभाव के, बिना डरे, बिना घुमाए फिराए और बिना कोई समझौता किए। अब रात हो चली है, आप लोग अपने घरों को जाएं, मैं कल फिर आऊंगा यहीं। स्वामी जी। क्या है? स्वामी जी आपने कल से कुछ नहीं खाया है। मैं नीच जाति का हूं स्वामी जी, इसलिए पका कर नहीं लाया। आप चाहे तो खुद ही पका लें, मैं लकड़ी ला देता हूं। तुम बहुत दयालु हो, आओ, बहुत ही दयालु। अरे तुम इसे पका कर मुझे दो ना, हम दोनों बल्कि बिल बांट कर खा लेंगे। पर मैं तो नीच जाति का हूं स्वामी जी, आप मेरे हाथ का पका कैसे खाएंगे? तुम मेरे भाई हो, तुम में मुझे भगवान नजर आता है। देखो अगर तुम मुझे पकाकर खिलाओगे ना तो मुझे लगेगा कि तुमने मेरा सम्मान किया है। अरे नहीं नहीं, शक्तिशाली और कमजोर, ऊंच और नीच, सबके पीछे वही अनंत आत्मा है जो मनुष्य की अनंत शक्ति को श्रेष्ठ और महान बनाने का आश्वासन देती है। इसीलिए अपने भीतर छुपे हुए ईश्वर की घोषणा करो, उसे अस्वीकार मत करो। जाओ पका कर लाओ। स्वामी जी आपने हमारे दरबार में पधारना स्वीकार किया है, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। स्वामी जी आपके बारे में बड़ी कहानियां सुनी हुई है। मैं सोचता हूं उनमें से कुछ अच्छी भी होंगी महाराज। अरे सबकी सब घड़ी मजेदार है। अब तो आपकी प्रसिद्धि बढ़ रही है। हाँ, लोग कह रहे कि देखा जाना साधु महात्माओं में आप सबसे अलग हो, बहुत अलग हो। आपकी विचारधारा प्रगतिशील है। वो कई किस्सों है कि आप एक शूद्र के साथ भोजन कर रहे हा और क्यों दीवान जी? यह बात सच है महाराज, नगर में भी यही चर्चा हो गया है कि स्वामी जी हिंदू जात प्रथा में कोनी माने और इनसे भी बढ़कर
स्वामी जी इन बात की भी परवाह कोनी करे कि सामने वालों हिंदू है कि मुसलमान या और कोई जात रो। स्वामी जी ने मान रहे हैं कि सब एक ही भगवान की पूजा कर रहे हैं। क्या स्वामी जी ये बात सच है? जी महाराज। मगर हिंदू होते हुए आप इस बात की उपेक्षा नहीं कर सकते हो कि एक शूद्र के साथ भोजन करना पाप है? महाराज, मैं जाति प्रथा को घृणित समझता हूं। इसकी वजह से हमारे देश के लोगों को भयानक अपमान सहना पड़ा है। इससे जो पतन हुआ है वो शर्म की बात है। हमारा धर्म रसोई घर में पहुंच चुका है। चूल्हा और भोजन हमारे भगवान हो गए हैं। मुझे मत छूना, मैं पवित्र हूं। हमारा धर्म मैं क्या? हर व्यक्ति अंधविश्वासी मूर्ख होने के बदले नास्तिक होना चाहेगा। स्वामी जी, आप अंधविश्वास के खिलाफ हो ना, लेकिन मूर्ति पूजा में आप बुराई नहीं समझो। अब इन मात्र समाधान किस तरह करोगा? मैं मूर्ति पूजा में विश्वास को नहीं करूं। दूसरा लोगों की तरह लकड़ी मिट्टी धातुरी पूजा मैं को नहीं कर सकूं। इस बारे में आप क्या कहोगे? ये किसका चित्र है? महाराज का। दीवान जी, कृपया इस चित्र को उतारिए। दीवान जी, इस पर थूकिए। मैं कह रहा हूं थूकिए, थूकिए इस चित्र पर। स्वामी जी, ये आपने कहीं करवारा वास्ते कह रहा हो? यो महाराज रो चित्र है, मैं ये किस तरह कर सकूं? लेकिन ये तो सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है, ना तो इसमें महाराज की हड्डियां हैं, ना मांस, ना रक्त, ना तो ये महाराज की तरह बोलता है और ना ही उनकी तरह व्यवहार करता है। फिर भी आप इस पर थूकने से इनकार कर रहे हैं? क्योंकि इस चित्र में आप अपने महाराज के रूप की छाया देख रहे हैं। वास्तव में आप इस पर थूकने से अपने महाराज, अपने स्वामी का अपमान समझ रहे हैं। देखिए महाराज, एक अर्थ में आप इस तस्वीर में हैं और दूसरे अर्थ में आप नहीं हैं। आपके स्वामी भक्त कर्मचारी इस तस्वीर को उतना ही सम्मान देते हैं जितना वो आपके व्यक्ति को देते हैं। यही बात उन भक्तों पर लागू होती है जो पत्थर या धातु की देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते हैं। प्रतिमा उनके मन में उनके इष्ट को लाकर खड़ा कर देती है और इस बात में मदद करती है कि वो अपने प्रभु में मन रमा सके। वास्तव में वो पत्थर या धातु की मूर्ति की पूजा नहीं करते। महाराज, सभी लोग एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं, उस ईश्वर की जो परम आत्मा है, शुद्ध ज्ञान की चरम सीमा। और ईश्वर भी लोगों को उनके ज्ञान और उनकी समझ के अनुसार दर्शन दिया करते हैं। स्वामी जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। दीवान जी, तस्वीर को उसकी जगह पर टांग दीजिए। वेदांत की जन्मभूमि हमारे इस देश में वर्षों तक लोगों को वश में करके रखा गया। हमारे सामंतवादी पूर्वजों ने देश की साधारण जनता को पैरों तले इतना रौंदा कि वो बेबस हो गए और इस अत्याचार के कारण यहाँ के गरीब लोग लगभग भूल ही गए कि वो भी मनुष्य हैं। उन्हें महज लकड़ी चीरने वाला या पानी ढोने वाला बनाकर छोड़ दिया गया। एक गरीब, एक नीच, एक पापी का भारत में कोई मित्र नहीं, उन्हें किसी का सहारा नहीं। चाहे वो जितनी भी कोशिश करें उठ नहीं सकते, वो दिन प्रतिदिन नीचे गिरते जा रहे हैं। चालाक शिक्षित वर्ग ने उनकी मेहनत के फल का एक बड़ा हिस्सा हड़प लिया है। हर देश में यह घटना घटी है, पर अब जमाना बदल गया है। निम्न वर्ग धीरे धीरे इस बात को समझने लगे हैं और इसके विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बना रहे हैं। यूरोप और अमेरिका की जनता
सबसे पहले उठी है और उन्होंने लड़ाई का शुभ आरंभ कर दिया है। भारत में भी इस जागृति के चिन्ह दिखाई देने लगे हैं। आजकल हो रही निम्न वर्ग की कई हड़तालें इसकी गवाह हैं। उच्च वर्ग अब निम्न वर्ग को अधिक दिनों तक नहीं दबा सकता, चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले। उच्च वर्ग का कल्याण अब इसी में है कि वो निम्न वर्ग के वाजिब अधिकारों को हासिल करने में उनकी मदद करे। आज का हिंदू धर्म न तो ज्ञान का पथ है न तर्क का, वो तो मुझे छूना नहीं मत छुओवाद बन गया है, जिससे उसकी खूबियां ही खत्म हो रही हैं। कभी कभी मत छुओवाद के बंधन को तोड़ने का मैं तीव्र आग्रह अनुभव करता हूं। लगता है तुरंत जाकर चिल्लाऊं, सब जन आए जो निर्धन दुखी अभागे और दलित हैं, फिर उन सबको एक साथ इकट्ठा करूं। जब तक वो नहीं उठते मां भी नहीं जागेगी। स्वामी जी आप कहां से आए हैं? एक बहुत लंबा सफर तय करके। क्या आप थोड़े दिनों यहां रुकेंगे? मेरा यहां से जाना आवश्यक है, बहुत से काम पड़े हैं जो करने हैं। मैं आपके साथ चल सकता हूं? हाँ, मगर कौन हो तुम? जी, मैं यहां का स्टेशन मास्टर हूं, मुझे शरदचंद्र गुप्त कहते हैं। एक भटकते हुए सन्यासी के साथ चलने का मतलब जानते हो? जी, आप अगर मुझे अपने साथ चलने की आज्ञा दें तो मैं सारा संसार छोड़ सकता हूं। मेरी मंजिल निश्चित नहीं है बेटे, मैंने पूरे देश की लंबाई चौड़ाई नापी है, लेकिन अभी भी मेरी खोज बाकी है। मेरे गुरुजी कहा करते थे कि अपनी मातृभूमि को नवजीवन देने के लिए अपने जीवन को न्योछावर कर दो। मैंने बहुत दुख देखा है मेरे बच्चे, इतना दुख कि मेरा हृदय भर गया है। गुरुजी ने कहा था कि धर्म भूखे पेट के लिए नहीं है, इसे आज मैंने देखा है। अगर तुम किसी ऐसे सन्यासी का साथ चाहते हो जो पर्वतों के एकांत में ध्यान लगाकर संतुष्टि पाता है, तो मैं तुम्हारे मतलब का आदमी नहीं हूं। जब आप सो रहे थे मैं देख रहा था, मैंने आपके प्रवचन सुने हैं। सिर्फ आप ही एक ऐसे हैं जिनके पीछे मैं चलना चाहता हूं। देखो, ये काम सरल नहीं है। जी, आप अगर साथ देंगे तो सब कुछ सरल हो जाएगा स्वामी जी। स्वामी, मेरी एक प्रार्थना है। इसे आप एक ऐसे व्यक्ति का प्रेम भी कह सकते हैं जो आपको सबसे अधिक चाहता है, कहीं आप स्वीकार करेंगे? कहें तो सही महाराज। आप मुझे बेटा बुलाइए जैसे आप हमेशा बोलते हैं। भले ही मैं खेतड़ी का महाराज क्यों ना हूं, आप मेरे स्वामी हैं। आपके लिए हमेशा मैं आपके पुत्र जैसे रहूंगा। अच्छा बेटे, कहो। आज से आप स्वामी विवेकानंद के नाम से पुकारे जाएंगे, क्योंकि आप आनंद और ज्ञान के वाहक हैं। स्वामी, यही नाम आपके अनुकूल है, कहीं आप स्वीकार करते हैं? किया भाई, किया। मुझे मालूम था स्वीकार करेंगे। आप अपने स्नेहजनों की प्रार्थना कभी इनकार नहीं करते। एक बात और है, मैंने सुना है अमेरिका में शिकागो नामक एक शहर है, वहां विश्व के प्रमुख धार्मिक नेताओं का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है। यह धर्म की एक बहुत बड़ी महासभा होगी। स्वामी, आप अक्सर कहा करते हैं कि आज इस बात की जरूरत है
कि दुनिया भारत को अध्यात्म की भूमि के रूप में स्वीकार करे। आपको वहां जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। मैं अमेरिका में धर्म महासभा? किंतु की कोई बात नहीं, मैं हर चीज का प्रबंध कर दूंगा। सिर्फ आप ही हैं जो दुनिया को समझा सकते हैं कि सच्चा धर्म क्या है और हमारी प्राचीन धरती को क्या प्रदान करना है। आपने मुझे बड़ी अच्छी तरह से समझाया, अब आप सारे विश्व को समझाइए। हम ये बहुत बढ़िया अवसर है, सारी दुनिया को अपने विचारों का उपहार दें। इनकार न करें स्वामी। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इस कार्य के योग्य हूं भी या। आप योग्य नहीं हैं स्वामी, विवेकानंद योग्य नहीं है। आप, सिर्फ आप ही ये काम कर सकते हैं। मैं ये अच्छे से जानता हूं और शीघ्र ही सारा संसार जान जाएगा। अच्छा, अगर आपकी आज्ञा हो तो आज मैंने आपके मनोरंजन के लिए कुछ प्रबंध किया है। मुझे क्षमा करना बेटे, मैं दूसरे कमरे में रहना चाहूंगा। एक सन्यासी के लिए इस तरह के मनोरंजन की आज्ञा नहीं। हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो। समदर्शी है नाम तुम्हारो, समदर्शी है नाम तुम्हारो। सोई पार करो हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित्त। हे माँ, मैंने अपराध किया है। मैं यहां से जाने के लिए उठ खड़ा हुआ था, मैंने आपका अपमान किया, लेकिन आपके गीत ने मेरी चेतना को जगा दिया। भगवान के सामने पवित्र अपवित्र मनुष्य जैसी कोई बात नहीं होती, किसी की निंदा नहीं करता। क्षमा करें स्वामी। ऐसा लगता है मानो धरती यहां आकर खत्म हो गई हो, है ना स्वामी जी?
अब तो आपकी यात्रा समाप्त हो गई ना? उसे उस शिला तक जाना चाहिए, परंतु स्वामी जी मछुआरे बिना पैसे दिए हुए नाव नहीं देंगे, और हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। स्वामी जी, ये आप क्या कर रहे हैं? स्वामी जी, स्वामी जी, भारत की यात्रा की, किंतु आह मेरे भाइयों, मुझे बहुत ही दुखद अनुभव हुआ। लोगों की गरीबी को देख मैं अपने आंसुओं को रोक ना सका, और अब मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि गरीबी और कष्ट को दूर किए बिना भारत के लोगों के लिए धर्म का प्रचार कोई मायने नहीं रखता है। मैं भारत के दीन दुखियों के लिए वहां से समाधान लाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं पश्चिम के सामने यह कहूंगा कि अगर भारत बीमार या तंदुरुस्त है तो उसका संबंध पूरी दुनिया से है। अगर भारत डूबता है तो पूरी दुनिया डूबती है। बदले में बाहरी दुनिया को भारत के आत्मा और ईश्वर संबंधी ज्ञान, उसकी आध्यात्मिक विरासत, त्याग और सन्यास द्वारा सच्चे मोक्ष के आदर्श की आवश्यकता है। मैं अमेरिका को भारत का प्राचीन ज्ञान दूंगा और अपनी मातृभूमि के लिए वहां से विज्ञान और टेक्नोलॉजी का ज्ञान वापस लाऊंगा। अगर मैं इस कार्य में सफल होता हूं तो भारत की प्रतिष्ठा पूरे संसार में ही नहीं होती, बल्कि हमारे देश के लोगों को एक नया विश्वास मिलता है। स्वामी, आपके जाने के बाद हम लोगों का कर्तव्य क्या होगा? हम लोग भगवान की सेवा कैसे करेंगे? काम काम काम, चक्कों की जगह अपने कंधों को रखो और मनुष्यता की सेवा करो। ईश्वर तुम्हें सदा आशीर्वाद देंगे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, जिस तरह विभिन्न नदियां भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह हे प्रभु, भिन्न भिन्न रुचि के लोग टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्तों पर चलते हुए तुझी तक पहुंचते हैं। एक सार्वभौमिक धर्म अवश्य होना चाहिए जो सांसारिक, सांप्रदायिक और भौगोलिक बंधनों से मुक्त हो, जो अपनी अनंत भुजाओं में सारे विश्व को समेट ले और हर मनुष्य को उसमें जगह मिले। आप लोग ऐसा धर्म सामने रखिए, तमाम राष्ट्र आपके पीछे चल पड़ेंगे।
चाहे वो जो हो, हिंदुओं के ब्रह्म, मुसलमानों के अल्लाह, बौद्धों के बुद्ध, जरदुष्टीनों के अहुरा माजदा, यहूदियों के जहवा और स्वर्ग में स्थित ईसाइयों के पिता, वो आपको शक्ति दें ताकि आप अपने विचारों का, उच्च विचारों का पालन कर सकें। ईसाइयों को हिंदू या बौद्ध नहीं बनना है और ना ही बौद्ध और हिंदू को ईसाई ही बनना है। हर धर्म को अपनी खासियत बनाए रखते हुए दूसरे धर्मों की शक्ति को अपने आप में शामिल करना है। उन्नति के नियमों के तहत प्रगति करनी चाहिए। अगर इस धर्म महासभा ने दुनिया को कोई संदेश दिया है तो वो ये है, दुनिया में यह साबित हो चुका है कि साधुता, पवित्रता और दया भाव किसी संप्रदाय विशेष की संपत्ति नहीं है। हर धर्म ने उच्च चरित्र के स्त्री और पुरुष को जन्म दिया है। लेकिन अगर फिर भी कोई एक व्यक्ति यह सोचता है कि मेरा धर्म तो जीवित रहे और बाकी तमाम धर्म समाप्त हो जाए, तो मुझे उस पर दया आती है और मैं उससे कहता हूं कि तमाम रुकावटों के बावजूद धर्म की ध्वजा पर, हर धर्म की ध्वजा पर लिखा होगा कि मेल करो, फूट नहीं। स्वामी विवेकानंद सियासत और अपने जमाने के सियासी लीडरों से दूर रहते थे, लेकिन उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि आवाम की हालत सुधारने के लिए आजादी और बराबरी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, भारत की सारी उम्मीदें आवाम से जुड़ी हैं, ऊंचे तबके जिस्मानी और रूहानी तौर पर मुर्दा हो चुके हैं। मुझे यकीन है कि कोई मुल्क बाकी दुनिया से अलग रहकर तरक्की नहीं कर सकता, और रोज बरोज यह बात साफ होती जा रही है कि कोई भी मसला महज नस्ली, कौमी या इस तरह के तंग दायरे में रहकर सुलझाया नहीं जा सकता।